वही हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। भारत ने ब्रॉन्ज मेडल प्लेऑफ मैच में स्पेन को 2-1 से हराया। भारतीय टीम के ओलंपिक में लगातार ये दूसरा मेडल है। इससे पहले भारत ने टोक्यो ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया था। भारत ने 52 साल बाद ओलंपिक में लगातार दूसरी बार पदक जीता। इसके साथ ही ओलंपिक में 8 बार की चैंपियन भारतीय हॉकी टीम का ये 13वां पदक है। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना आई थिंक ये हिस्ट्री है हमारे लिए और हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है। हम यहाँ आए थे गोल्ड के लिए और जैसे हमने लोगों को दिखाया कि हॉकी में इंडिया टीम बेस्ट है और अपना अच्छा परफॉर्म कर रही है। आई थिंक हम बहुत क्लोज थे बट हम और ज़्यादा डिजर्व करते थे बट ये जर्नी है, यहीं से अब हम सीखते हैं और ये सीख हमें आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेगी। बट वी आर सो प्राउड कि हमने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी थ्रू आउट टूर्नामेंट। हमने वन साइडेड खेला है, बिल्कुल एज ए टीम खेला है। जो परफॉर्मेंस हम लोग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे फुल लीग्स में, उस चीज़ को यहाँ पर प्रोसेस में लेके आए और यहाँ पर परफॉर्म किया टीम ने। हर प्लेयर का एक हर टाइम पीक नहीं होता है, तो इसलिए वर्ल्ड कप में गोल नहीं हुआ था इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार प्लेयर जाता है। उसने फिर उसके बाद वापसी की प्रो लीग में, पूरे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स में गोल मार के इंडियन टीम को एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जिताया, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में गोल्ड मेडल जिताया, यहाँ पे भी ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हरमनप्रीत सिंह बेस्ट प्लेयर था, उसने करके दिखाया, यहाँ पर टॉप स्कोरर है अभी वर्ल्ड कप और ओलंपिक में। यहाँ पर बिल्कुल सही कहा, जो लीग मैचेस हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उसमें थोड़ा सा प्रेशर कम होता है क्योंकि आपको पता आपको कैसे स्ट्रेटजी करनी है, कहाँ कौन से मैच में कितना परसेंट देना है और कहाँ फिनिश करना है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। मगर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल तो टोटली डिफरेंट होते हैं। तो उस हिसाब से टीम ने स्ट्रेटजी के हिसाब से खेला, जो चीफ कोच ने हमारी स्ट्रेटजी बनाई थी जिस टीम के खिलाफ सबसे खेला और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लड़कों ने 110% दिया हर जगह अपना और उसका हमें आज ब्रॉन्ज मेडल मैच जीतने का। बहुत अच्छी जीत है, शानदार जीत है। बैक टू बैक ब्रॉन्ज जीतना बहुत बड़ी चीज है हिंदुस्तान के लिए, मगर अगर हमसे पूछिएगा एज ए सेक्रेटरी जनरल हॉकी इंडिया, तो हम लोग का टारगेट खिलाड़ियों का नहीं, हम लोग सभी का टारगेट था फाइनल खेलने का। वो अमित रोहिदास अगर बाहर नहीं होते तो मेरे ख्याल से मैं आज फाइनल खेलता। हाँ, सिरजेश का आज अंतिम मैच था, आखिरी मैच खेले, मगर सिरजेश हमारे हॉकी इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे। मैं पहली बार आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ, हॉकी के सभी खेल प्रेमियों को बताना चाहता हूँ कि सिरजेश हमारे जूनियर इंडिया टीम के मुफ्त कोच होंगे, जो हम लोग की इच्छा है। बाकी इस विषय में साई से, भारत सरकार से भी हम बात करेंगे, मगर हम लोग का हॉकी इंडिया का ये डिसीजन है कि सिरजेश आज के बाद जूनियर इंडिया टीम को एज ए कोच की भूमिका में वो आए संभाले। अब आने वाले भविष्य में हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडलिस्ट जो ओलंपिक में जीते खिलाड़ी, वैसे खिलाड़ी अपने जैसे जोधा को तैयार करें।